आपने फिजिट स्पिनर को ऐसे घुमाया होगा, लेकिन अगर आप इसको ऐसे घुमा दे तो कैसे? आप ये जो मैग्नेट से खेलते थे, ये आपकी जान लेने के इतने करीब थे। इसको देख के आपके रोंगटे खड़े होने वाले हैं। तो इस वीडियो को 3 गिने तक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब मार दो यार। 1, 2, 3 आपने कर ही दिया होगा, तो स्टार्ट करते हैं। नंबर 16, फिजिट स्पिनर। 2017 के आसपास फिजिट स्पिनर हर जगह पर बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो गए थे, यानी कि हर कोई बच्चा इसके साथ खेलना चाहता था, लेकिन इसे भी कई जगह पर बैन किया गया था। हाँ, यकीन नहीं होता है, लेकिन ये 3 साल से छोटे बच्चों के लिए इसे ऑलमोस्ट हर जगह पर बैन किया गया था, क्योंकि इसमें ऐसे कॉम्पोनेंट है जो अगर थोड़े भी निगल जाते हैं तो गले में फंस सकते हैं और काफी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। नंबर 15, स्नैक टाइम कैबेज पैच किड। ये एक ऐसा टॉय था जिसमें एक पैकेज का टुकड़ा था और टॉय उसे खाता था। आप इसे जितनी बार चाहे उतनी बार कैबेज खिला सकते थे, लेकिन इसके जो जॉ हैं वो काफी ज्यादा पावरफुल थे, और ऑब्वियसली इसे खाने के टुकड़े और बच्चों की फिंगर में फर्क नहीं पता चलेगा, और इसी वजह से ये कई बार बच्चों की फिंगर को भी बाइट कर देते थे और उन्हें काफी चोट लगती थी, तो इसीलिए भी इसे बैन किया गया। नंबर 14, लॉन डार्ट्स। ये ऐसे खिलौने थे जिसे हम खेला करते थे और अभी भी ये मिलते हैं, लेकिन पहले जैसे नहीं। पहले जो लॉन डार्ट मिलते थे उनमें नुकीले पॉइंट होते थे जो कि काफी शार्प थे, और जाहिर सी बात है बच्चों को चोट लग सकती है, और फेंकते समय अगर किसी की आंख में लग गई तो अंधा हो सकता है, इसीलिए एक सॉफ्ट अल्टरनेटिव से इसे चेंज कर दिया गया। ऐसे ही यार्ड डार्ट्स पे आते हैं जो कि काफी ज्यादा सिमिलर ही थे। नंबर 13, कैंडी सिगरेट। बचपन में ये कैंडी आप में से कई लोगों ने टेस्ट की होगी। ये बिल्कुल सिगरेट जैसी दिखती थी, लेकिन ये एक्चुअली में कैंडी होती थी, और इसका बॉक्स बिल्कुल सिगरेट के बॉक्स जैसा दिखता था। इसे बैन कर दिया गया क्योंकि लोगों का कहना था कि बच्चों को इसके बाद असली सिगरेट की भी आदत लग सकती थी और बच्चे इसे थोड़ा बहुत सिगरेट की तरफ अट्रैक्ट होंगे, और इसीलिए इसको लगभग सारे जगह पर बैन कर दिया गया। नंबर 12, द एडवेंचर ऑफ कैप्टन अंडरपैंट्स। ये कॉमिक बुक थी जो कि हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने बचपन में पढ़ी हो। ये काफी ज्यादा पॉपुलर थी, पर इसमें जो कैरेक्टर था वो बहुत ज्यादा शरारत करता था, ऐसे लोगों का मानना है, और इसी वजह से इस बुक को अब बच्चों के बीच ज्यादा सर्कुलेट नहीं किया जाता। पहले ये लाइब्रेरी लेक्चर्स में बच्चों को पढ़ने के लिए दिया जाता था, लेकिन अब नहीं देते, और इसमें एक गे कपल भी थे जिसकी वजह से लोग इसे अवॉइड ही करते हैं। नंबर 11, स्मॉल हाई पावर्ड मैग्नेट। यार मैग्नेट तो हम सब ने बचपन में खेला है, लेकिन अभी जो मार्केट में खेलने वाले मैग्नेट मिलते हैं उन्हें काफी ज्यादा रेगुलेट करके बेचा जाता है, यानी कि ज्यादा पावरफुल मैग्नेट को खेलने के लिए नहीं दिया जाता, पर पहले ऐसा नहीं था, और इस चीज की वजह से काफी प्रॉब्लम हो जाती थी। अगर कोई पावरफुल मैग्नेट खा लेता था और वो मुंह में टूट जाता, या फिर वो 2 से ज्यादा मैग्नेट खा लेता था, तो पेट में जाकर ये काफी ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता था। नंबर 10, क्लोथ्स विद ड्रॉ स्ट्रिंग। कई जगह पर छोटे बच्चों को ड्रॉ स्ट्रिंग वाले कपड़े पहनना अलाउड नहीं है, यानी कि हुडी जैसे जो क्लोथ्स होते हैं और गले के पास रस्सी होती है। वैसे ये कपड़े बच्चों के लिए बिल्कुल सही भी नहीं है, और मोस्टली बच्चों के कपड़े इन ड्रॉ स्ट्रिंग के बिना ही बनते हैं, क्योंकि ये बच्चे के गले में फंस सकती है। नंबर 9, स्लैप ब्रेसलेट। यार इससे तो हम काफी ज्यादा खेलते थे। स्लैप ब्रेसलेट हम स्कूल में फ्लेक्स करते थे, क्योंकि ये कई बार स्केल की तरह भी आती थी, यानी कि ये नॉर्मल स्केल ही होती थी, लेकिन स्लैप करके आप इसे अपने हाथ में पहन सकते थे, पर इसे फिर भी बैन कर दिया गया। आप देखोगे अब ये बहुत कम मिलती है, या फिर ना के बराबर मिलती है, क्योंकि ये बच्चों के हाथ पर निशान छोड़ जाती थी, और इसके जो शार्प एजेस होते थे वो सच में काफी ज्यादा लग, और आपको याद होगा छोटे थे तब हमें इसे डर भी लगता था। नंबर 8, ड्रॉप साइड क्रेप। एक टाइम पर ये पेरेंट्स के बीच काफी ज्यादा पॉपुलर थी और कई लोग इसे खरीदते थे अपने बच्चों को अंदर रखने के लिए, लेकिन ये काफी ज्यादा डेंजरस है, क्योंकि जब ये साइड क्लोज होती थी तो गैप छूट जाते थे, और इसमें सच में कई बार बच्चे फंस के पूरी तरीके से इंजर्ड भी हुए हैं, और इसी के साथ कई बच्चों की तो दम घुटने की वजह से जान भी गई है, और इसीलिए इस चीज को बैन कर दिया गया। और इसी के साथ आपको बेबी वॉकर पता होंगे, ऐसे इंडिया में तो ये मिलते हैं और लगभग सारे पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए ये खरीदते हैं, लेकिन कनाडा जैसी जगह पर ये बैन है। नंबर 7, प्ले पेन। हम छोटे थे तो पूरे घर में मस्त खेलते थे, पर कई लोगों को ये डेंजरस लगता था, तो इसलिए वो प्ले पेन का यूज करते थे, यानी कि लिमिटेड स्पेस होता था जिसमें बच्चे खेल पाते थे, लेकिन ये बच्चों के लिए ज्यादा खतरनाक साबित हुआ। इसमें दम घुटने की वजह से कई बच्चों की मौत भी हुई है, और इसी के साथ कई बच्चों को अंदर ही खेलते खेलते चोट लग जाती थी, और इसीलिए इसे भी बैन कर दिया गया। नंबर 6, लेजर पॉइंटर। लेजर तो अभी भी मिलते हैं, लेकिन पहले जो लेजर पॉइंटर्स मिलते थे कई बार उनकी फ्रीक्वेंसी काफी ज्यादा पावरफुल होती थी, और इसी वजह से उन पावरफुल लेजर पॉइंटर्स को बैन कर दिया गया था, क्योंकि ऑब्वियसली बच्चे इसे खेल रहे हैं तो वो काफी ज्यादा रिस्क में होते हैं। जैसे कि कई बार बच्चे लेजर को गलती से आंख पर मार देते थे, जो कि काफी ज्यादा रिस्की हो सकता है, और इसीलिए ज्यादा फ्रीक्वेंसी के लेजर को बैन कर दिया गया, और पहले के मुकाबले अब कम फ्रीक्वेंसी वाले लेजर बनाए जाते हैं। नंबर 5, बेबी फार्मूला। कई लोग बच्चों को बेबी फार्मूला खिलाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वो बच्चों के लिए ज्यादा अच्छा होगा, और पहले कई बेबी फॉर्मूला फ्लोर की मात्रा हाई होती थी, जो कि काफी ज्यादा डेंजरस हो।
होता है और इसी वजह से कई सारे बेबी फॉर्मुलास को बंद कर दिया गया। नंबर 4 स्काई डांसर। तो एक ऐसा खिलौना था जिसमें एक डांसर जैसी डॉल होती थी और इसे प्ले करने पर वो स्पिन करती थी और लॉन्च होती थी। ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग खिलौना था जिस वजह से कई बच्चों ने इसे खरीदा था। पर रिस्क तब आया जब ये खिलौना जो है वो उड़कर लोगों के आंख और मुंह पर लगने लगा। अब बच्चों को तो नहीं पता होता कि सेफ डिस्टेंस रखना चाहिए, जिस वजह से कई बार वो इसके पास चले जाते थे और ये डॉल उनके मुंह पर लग जाती थी, उन्हें काफी ज्यादा चोट लगती थी और इसी वजह से इस स्काई डांसर डॉल को बंद कर दिया गया। नंबर 3 मर्क्यूरी थर्मामीटर। यार आपको याद होगा बचपन में जब हम कभी डॉक्टर के पास जाते थे तो वो हमें ये लाल लिक्विड वाला थर्मामीटर देते थे, पर अब ये थर्मामीटर यूज नहीं होते लाइक नॉर्मल पेशेंट को चेक करने के लिए, क्योंकि ये मर्क्यूरी थर्मामीटर है। इसमें ये जो लाल लिक्विड है ये मर्क्यूरी था और ऑब्वियसली थर्मामीटर को चेक करने के लिए आपके माउथ में इसे रखा जाता था। तो अब ऐसे में अगर मर्क्यूरी कभी लीक हुआ और वो गलती से बच्चों के मुंह में चला जाएगा तो ये काफी ज्यादा डेंजरस है, इसलिए मर्क्यूरी थर्मामीटर को बैन किया गया था नॉर्मल चेकअप के लिए। नंबर 2 पैथलेट्स। एक ऐसी चीज है जो कि प्लास्टिक में यूज होती थी और बच्चों के पहले जो खिलौने बनते थे इसमें इनका काफी ज्यादा यूज होता था, पर ये बच्चों के लिए काफी डेंजरस थे और इसी वजह से पैथलेट्स टॉयज और चाइल्ड केयर प्रोडक्ट्स में इसे यूज करना बंद कर दिया गया। और इसी वजह से अब जो लोकली सस्ते में खिलौने लेते हो शायद उसमें ये मौजूद हो और इसीलिए ही अच्छे क्वालिटी के खिलौने थोड़े महंगे आते हैं। अब इसी के साथ इनमें कई खिलौनों को पेंट करने के लिए जिस पेंट का यूज किया जाता है उसमें लेड मिला हुआ होता है, क्योंकि वो पेंट की क्वालिटी को इंक्रीज करता था और ये भी बहुत ही सस्ता था। पर लेड काफी डेंजरस है और बच्चे तो खिलौने अपने मुंह में भी डाल लेते हैं जिस वजह से उनके लेड उनके पेट में जा सकता है। नंबर 1 एटॉमिक लाइब्रेरी किट 1960। इसे हम में से कोई भी रिलेट नहीं कर पाएगा लेकिन ये मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा इसलिए मैं बताता हूँ। इस लेबोरेटरी किट को लॉन्च किया गया था जिसमें से बच्चे अलग अलग छोटे मोटे एक्सपेरिमेंट कर सकते थे, पर ये एक्सपेरिमेंट बिल्कुल भी छोटे मोटे नहीं थे क्योंकि इन किट्स में 3 से भी ज्यादा टाइप के यूरेनियम थे। हाँ आपने बिल्कुल सही सुना, इन्होंने इसमें अनप्रोसेस्ड यूरेनियम दिया हुआ था। हाँ ये बहुत ज्यादा कम मात्रा में था पर फिर भी यूरेनियम बहुत डेंजरस होता है और इसे बच्चों के खेलने के लिए देना तो बेवकूफी है, इसीलिए इसे बैन कर दिया गया क्योंकि इससे कुछ बच्चों को इंजरी भी हुई थी और काफी भयानक बीमारी भी मिलेगा। तो इसे अब भी दबाओ और हाँ ये वाली वीडियो को लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को लाइक करके ही चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।